दोस्तों, अब सब लोगों को पता ही होगा कि पूरा दुनिया में अब फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने को लेके एक तरीके से होड़ लगा हुआ है। एक तरफ जहां पे सबसे पहले अमेरिका के द्वारा फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया गया, तो वहीं पे अमेरिका के बाद रशिया और चाइना के तरफ से अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को बना के इसे ऑपरेशनलाइज किया गया। और दोस्तों, अब इन तीन देशों के बाद अब साउथ कोरिया और टर्की जैसे देशों के तरफ से भी अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके इनिशियल सफलता जहां पे हासिल किया गया, तो वहीं पे भारत के तरफ से भी अपने AMCA जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने को लेके अपना तैयारी शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, जहां पे सभी देश ट्राई कर रहा है, तो वहीं पे अब एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम रखने वाला देश मतलब स्वीडन के तरफ से भी अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने को लेके अपना तैयारी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के कंपनी साफ ग्रुप JS-39 ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों में सफलता हासिल करने के बाद अब फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अगर स्वीडन के साफ ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये काफी इनिशियल स्टेज में है और इन्हीं कारणों के वजह से अब तक ये क्लियर नहीं कहा जा पा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को स्वीडन के द्वारा एज ए फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा या फिर सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों के रूप में डेवलप किया जाएगा। लेकिन स्वीडन के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्वीडिश डिफेंस मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एज ए नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के तहत बनाया जाएगा और ये साल 2024-25 के स्पैन के अंतर्गत डिसाइड किया जा रहा है और इस एयरक्राफ्ट को इस दशक के अंत से पहले स्वीडन के तरफ से तैयार करने को लेके अपना इरादा रखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये जो टाइमलाइन है ये काफी छोटा टाइमलाइन है और इतने कम समय के अंदर स्वीडन हो या फिर कोई भी देश हो इस तरीके के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में शायद ही सफलता हासिल कर सके। लेकिन स्वीडन का जो एरोस्पेस सेक्टर में एक्सपीरियंस है वो काफी लंबा होने के साथ साथ स्वीडन को कई सारे वेस्टर्न देशों से भी मदद मिलता है, जिससे कि स्वीडन के लिए शायद ये कोई बड़ा चैलेंज ना हो। बेसिकली दोस्तों, स्वीडन अभी से ही JS-39 एयरक्राफ्टों के बाद स्वीडन के बेड़े में कौन सा एयरक्राफ्ट प्रमुख भूमिका निभाए उसके लिए तैयारी कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को स्वीडन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क वॉरफेयर इंटीग्रेशन, अनमैन एरियल व्हीकल, एडवांस सेंसर, स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस करना चाहता है। हालांकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने का स्वीडन की तरफ से बात कहा जा रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि शायद ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि सिक्स जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो। हालांकि दूसरी तरफ स्वीडन अपने बेड़े के JS-39 ग्राइफिन एयरक्राफ्ट मतलब सबसे प्रमुख एयरक्राफ्टों को और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को भी आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है और ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को स्वीडन साल 2035 से अपने बेड़े से रिटायर करना शुरू करेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को यूरोप के अंदर ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये यूरोप के बाहर काफी अधिक प्रचलित हुआ है और कुछ देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में आने वाले समय में अगर स्वीडन सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों को तैयार करता है तो नो डाउट स्वीडन को इसमें भी सफलता मिलेगा, खास करके उस समय जब यूरोप के अंदर राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट धीरे धीरे करके शुरू होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के इस प्रयास में शायद यूरोप के कुछ देशों के द्वारा भी स्वीडन को मदद किया जाए। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल स्वीडन के इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में साफ ग्रुप के अलावा स्वीडन के और एक कंपनी GKN एरोस्पेस के तरफ से भी मदद किया जाएगा और ये दोनों ही कंपनी फिलहाल ब्रिटेन के नेतृत्व वाले जो टेम्पेस्ट प्रोग्राम है उसमें भी जुड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों, स्वीडन का जो भूमिका है ये टेम्पेस्ट प्रोग्राम में इतना अधिक नहीं है, लेकिन ये दो कंपनी टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जुड़े होने के कारण एक तरीके से स्वीडन को इससे फायदा भी मिलेगा। हालांकि वही पे कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के तरफ से असल में जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को तैयार करने को लेके अपना इरादा रखा जा रहा है वो असल में दो इंजन वाले हैवी एयरक्राफ्ट ना होके शायद सिंगल इंजन वाले लाइट वेट सिक्स जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के अंदर ब्रिटेन के नेतृत्व वाले ग्रुप और फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व वाले ग्रुप के द्वारा दो इंजन वाले मीडियम और हैवी क्लास के सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और ऐसे में अगर स्वीडन फिर से एक ही टाइप के एयरक्राफ्टों को तैयार करता है तो इससे स्वीडन के एयरक्राफ्टों का डिमांड कम होगा। हालांकि अगर सिंगल इंजन के लाइट वेट और कम कॉस्ट एयरक्राफ्ट को स्वीडन की तरफ से तैयार किया जाता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों का डिमांड भी काफी अधिक होगा और एक तरीके से डायरेक्टली इन एयरक्राफ्टों का कॉम्पिटिशन यूरोप के अन्य एयरक्राफ्टों के साथ नहीं होगा बल्कि उन एयरक्राफ्टों के साथ स्वीडन के ये जो एयरक्राफ्ट है ये पैरेलली यूरोप के मार्केट के ऊपर राज कर सकेगा। अब दोस्तों, स्वीडन के तरफ से भी अपना तैयारी कर लिया गया है, लेकिन बड़ा बात यह है कि भारत को अगर अपने सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों को तय समय पे चाहिए तो भारत के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जिस तरीके से डिले होता है उसे देखते हुए भारत को अभी से ही सिक्स जनरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए, तभी जाके भारत को तय समय पे अपने सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट मिल सकेगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे स्वीडन सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों को लेके काम कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों को लेके भी हाल ही में एक बड़ा खबर आया है। और दोस्तों, ये जो खबर है यह
दरअसल में CCS के अप्रूवल को लेकर नहीं है बल्कि इससे भी काफी बड़ा खबर है, जो कि बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के एक नया टेक्नोलॉजी को लेकर है और जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर DRDO फिलहाल काम कर रहा है, इससे केवल मात्र AMCA एयरक्राफ्ट अपने आप को दुश्मनों के एयरक्राफ्टों से छुपा ही नहीं सकेगा, बल्कि साथ ही साथ दुश्मन के लो प्रोफाइल एयरक्राफ्टों को मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी काफी दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों में LPI टेक्नोलॉजी मतलब लो प्रोबेबिलिटी इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाएगा। बेसिकली दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को DRDO के द्वारा सुपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करने में काफी माहिर होगा। और दोस्तों नया जनरेशन के एयरक्राफ्टों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को फिलहाल काफी कॉमन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए DRDO इन एयरक्राफ्टों में लो प्रोबेबिलिटी इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी को जोड़ेगा। बेसिकली दोस्तों LPI जो होता है वो असल में मॉडर्न एयरक्राफ्टों के रडारों में इस्तेमाल होने वाले एक महत्वपूर्ण चीज होता है, जो कि एयरक्राफ्टों के रेडियो फ्रीक्वेंसी को जहां पे कम करता है, तो वहीं पे इस टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्टों के रडार से निकलने वाले जो सिग्नेचर होता है वो इतना कम होता है कि दुश्मन के रडारों के द्वारा इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को असल में फिजिकली स्टेल्थ बनाया जाता है, मतलब इसका डिजाइन और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मटेरियल होता है वो अपने आप में ही अपने रडार क्रॉस सेक्शन को छुपा सकता है, लेकिन लड़ाई के दरमियान कई बार एयरक्राफ्टों के रडार के उपयोग करने के कारण इन रडारों से निकलने वाले जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर होता है उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में ऐसे एडवांस रडारों का उपयोग किया जाता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से दुश्मन के टारगेटों को मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्टों को इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तक को डिटेक्ट करने में सफल हो और साथ ही साथ कम से कम रडार सिग्नेचर को एमिट करे, जिससे कि दुश्मन के द्वारा इन रडारों के सिग्नेचरों को फॉलो करते हुए एयरक्राफ्टों को कभी डिटेक्ट ना किया जा सके। और दोस्तों ये जो LPI टेक्नोलॉजी है इससे माना जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट अपने आप को और ताकतवर बना सकेगा और AMCA के सामने दुश्मन के जो अन्य एयरक्राफ्ट है खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो काफी कमजोर हो जाएगा। इवन AMCA अपने आप को दुश्मन के अन्य रडारों से और रडारों के द्वारा गाइड किए जाने वाले मिसाइलों से भी काफी हद तक बचा पाएगा। फिलहाल दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इन LPI टेक्नोलॉजियों को असल में वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी और AMCA एयरक्राफ्टों के गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है, जो काफी कम ही ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसमें उपयोग हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां पे चाइना के खुद के एयरक्राफ्ट उतना स्टेल्थी नहीं है कि वो अपने आप को रडारों से बचा सके, तो वहीं पे भारत के AMCA एयरक्राफ्ट चाइना के रडारों से अपने आप को अगर आसानी से बचा लेता है तो लड़ाई में एक तरीके से चाइना का जीत पाना लगभग नामुमकिन होगा। अब दोस्तों चाइना के J20 एयरक्राफ्टों को लेकर आप लोगों को बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे प्रॉपरली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैनेड का उपयोग किया गया और दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों में उपयोग होने वाले जो इंजन है वो काफी अधिक हीट सिग्नेचर प्रोवाइड करता है, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर पाना काफी आसान होता है। तो वहीं पे कुछ समय पहले जब चाइना के इन एयरक्राफ्टों को तिब्बत में टेस्ट किया जा रहा था, तब बॉर्डर में इंडियन एयरफोर्स के Su-30MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा एक रेगुलर बॉर्डर पर ट्रोलिंग के दरमियान चाइना के इन एयरक्राफ्टों को अपने रडारों के द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया था। अब Su-30MKI एयरक्राफ्टों में तो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग होता है, जबकि AMCA एयरक्राफ्टों में एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार ऊपर से LPI जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि भारत के ये जो एयरक्राफ्ट है और भी आसानी से चाइना के एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर लेगा। और दोस्तों इसके बावजूद चाइना अपने रडारों के द्वारा भारत के एयरक्राफ्टों को शायद डिटेक्ट कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी से ही बड़ा प्लान को तैयार कर लिया गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम 7 स्क्वाड्रन AMCA एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना कमिटमेंट कर चुका है। हालांकि ये जो 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है ये असल में दो अलग अलग कैटेगरी में होगा, जिनमें पहला 2 स्क्वाड्रन मतलब करीब करीब 40 एयरक्राफ्ट AMCA Mk1 एयरक्राफ्ट होगा, जो कि A414 इंजनों से लैस होगा, जबकि बाकी के जो 5 स्क्वाड्रन मतलब करीबन 100 एयरक्राफ्ट है वो असल में AMCA Mk2 स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट होगा, मतलब स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों से लैस एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसे कि आप नियर 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कह सकेंगे। और दोस्तों आशा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद शायद ये जो संख्या है ये और भी बढ़े और केवल मात्र 7 स्क्वाड्रन में ही इंडियन एयरफोर्स ना रुके बल्कि इससे भी कई गुना अधिक एयरक्राफ्टों को खरीदे, जिस तरीके से कि पहले 123 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया गया था, लेकिन बाद में उस संख्या को बढ़ा के करीब करीब 220 तक किया गया है। उसी तर्ज पे आशा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों को जो 140 के संख्या में खरीदने का इरादा बनाया गया है उसमें भी आने वाले समय में और संख्या बढ़े। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि स्वीडन की तरफ से जो 6 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर अपना तैयारी किया जा रहा है, क्या ये ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व वाले एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए है या फिर इन्हीं दोनों एयरक्राफ्टों के साथ साथ पैरेलली ये मार्केट में प्रचलित होगा, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।